नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों, आज का जो अपडेट है उस अपडेट को लेकर थोड़ी सी चिंता हमें होनी चाहिए। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा करते करते आखिरकार OIC मेंबर्स को कन्विंस करने में सफलता उसको मिल गई है। दोस्तों जी, दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इस्लामिक कंट्रीज़ का एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 57 मेंबर्स है। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी मुस्लिम कंट्री उस संस्था के मेंबर है, जिसे यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्री है, इसमें 57 मेंबर है OIC के अंदर। और इसका जो मेन लीडर है, अध्यक्ष चेयरमैन है, वो सऊदी अरेबिया है। तो दोस्तों, अभी सऊदी अरेबिया ही इस मीटिंग को करवाने जा रहा है। उस मीटिंग में तकरीबन सभी OIC मेंबर्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ पे मिलेंगे कश्मीर के इशू पर, और ये मीटिंग पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने जा रही है। दोस्तों, मेन मुद्दा ये है कि सऊदी अरेबिया ही क्यों आगे बढ़कर इस मीटिंग को करवाने जा रहा है, जबकि आप सभी को अच्छे तरह पता होगा कि इंडिया और सऊदी अरेबिया हाल के कुछ सालों के बीच में कितने क्लोज आए हुए हैं, चाहे बिजनेस टाइज हो, बिजनेस पार्टनर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों कर रहा है, वो भी कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर। दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है और कि ये जो सऊदी अरेबिया है यही मीटिंग होल्ड करवा रहा है इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अंदर, तो ये पाकिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, जबकि इंडिया और सऊदी अरेबिया का इतना मजबूत टाइप हुआ है कुछ सालों के अंदर अंदर, चाहे वो बिजनेस टाइज हो, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, या फिर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो। इतना मजबूत रिश्ता होने के बावजूद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ क्यों झुक रहा है? तो दोस्तों, इसके पीछे का हमें समझना पड़ेगा। दरअसल बात ऐसी है कि OIC मेंबर्स के जो अध्यक्ष है उसको लेकर काफ़ी कुछ बीच में खींचतानी चल रही थी। बीच में उन लोगों की मीटिंग भी हुई थी और यहाँ तक कि निर्णय हो गया, होने वाला था कि जो सऊदी अरेबिया इसका हेड है उसको हटाकर चाहे तुर्की को बना दो, चाहे ईरान को बना दो, चाहे मलेशिया को बना दो, लेकिन सऊदी अरेबिया के कहने पर पाकिस्तान ने उस मीटिंग का बायकॉट किया और इसलिए वो कुर्सी सऊदी अरेबिया के पास बची की बची रहेगी। अगर पाकिस्तान उस मीटिंग में चला जाता तो डेफिनेटली है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाता। सऊदी अरेबिया के खिलाफ जाता तो पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया का सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट नहीं मिलता तो आज सऊदी अरेबिया खता नहीं कि भाई आपके वजह से मेरी सीट बची है, इसलिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा, कश्मीर के मुद्दे पर एक मीटिंग बुलाऊंगा। तो सीधा सा सवाल ये है कि पाकिस्तान को अपने प्रोपेगेंडा में कुछ सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसे हमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। ये एक फॉरेन मीटिंग होने वाली है, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है, इससे हमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर है, इंटरनल इशू है, जो भी होगा उसे इंडिया अपने तरीके से देखेगा। ये किसी भी कंट्री के दबाव में आके इंडिया कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितना प्रोपेगेंडा कर ले, फैला ले, लेकिन वो कभी भी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना विचार लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।